देवी और देवता 33 प्रकार के होते हैं और 33 प्रकार के देवी देवताओं के हजारों गुण होते हैं जिन्हें देवगण कहा जाता है और हर एक देवी और देवता का एक वाहन होता है। हालांकि देवी और देवताओं को कहीं आने जाने के लिए वाहन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इससे ये समझें कि उस वाहनों का कितना महत्व होगा। देवी और देवताओं के वाहनों की असली वजह क्या है, अपने वाहन के रूप में कुछ पशु या पक्षियों को चुना है तो इसके पीछे उनकी विशेष योग्यता ही रही होगी। अगर पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा होता तो शायद पशु या प्रकृति के हिंसा व्यवहार और ज्यादा हो जाता। भारतीय मनुष्यों ने प्रकृति और उसके रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। माँ सरस्वती का वाहन हंस। हंस पवित्र, जिज्ञासु और समझदार पक्षी होता है। ये जीवन भर एक हंसनी के ही साथ रहता है। परिवार में प्रेम और एकता का ये सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा हंस अपने चुने हुए स्थानों पर ही रहता है। इसकी खासियत ये है कि अन्य पक्षियों की अपेक्षा में बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरता है और लंबी दूरी तय करने में सक्षम होता है। जो ज्ञानी होते हैं वे हंस के समान ही होते हैं और जो बुद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं उनको परमहंस कहा जाता है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतरीन वाहन हंस ही हो सकता है। माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान होना ये बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा और शांत किया जा सकता है और ज्ञान से ही जीवन में पवित्रता, नैतिकता, प्रेम और सामाजिकता का विकास होता है। ज्ञान क्या है? जो जो भी अज्ञान है उसे जान लेना ही ज्ञानी होने का प्रथम लक्षण है। इंद्र का वाहन सफेद हाथी। आजकल सफेद हाथी तो बहुत कम पाए जाते हैं। मनुष्यों ने इनका बहुत कत्लेआम किया है। इनकी चर्बी और हाथी दांत के लिए ये लगभग लुप्त होने की कगार पर हैं। इंद्र ने अपना वाहन एरावत नाम एक हाथी को बनाया। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक एरावत की भी उत्पत्ति हुई थी। हाथी शांत और समझदार और तेज बुद्धि का प्रतीक है और एरावत को 4 दांतों वाला बताया गया है। ईरा का अर्थ है जल और अत का मतलब समुद्र। उत्पन्न हाथी को एरावत नाम दिया गया है। महाभारत भीष्म पर्व के अष्टम अध्याय में भारत वर्ष में उत्तर में भूभाग को उत्तर करु के बदले एरावत कहा गया है। ये उत्तर कुरु दरअसल उत्तरी ध्रुव में स्थित है। संभवतः यहाँ प्राचीन काल में इस तरह के हाथी होते होंगे जो बहुत ही सफेद और 4 दांतों वाले रहे होंगे और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हजारों वर्षों पहले यहाँ मानव आबादी रही होगी। यमराज का वाहन भैंसा। यम नामक एक वायु होती है। मरने के बाद व्यक्ति उठ जाकर स्थित हो जाता है और फिर प्रत्येक चक्र अनुसार पुनः धरती पर जन्म लेता है। यम नामक एक देवता है जिसको मृत्यु का देवता कहते हैं और इन्हें दक्षिण दिशा में धिक्रपाल कहे जाते हैं। यमराज को भैंसे पर सवार बताया गया है। भैंसा एक सामाजिक प्राणी होता है। सभी भैंसे मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं और ये एकता का प्रतीक है। भैंसा अपनी शक्ति और पूर्ति के लिए भी जाना जाता है। भैंसा अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करता। भैंसा अपनी आत्मरक्षा के लिए ही किसी पर हमला करता है। भैंसे का रूप जिस तरह से भयानक होता है उसी तरह से यमराज का भी भयानक रूप होता है और इसीलिए यमराज उनको अपने वाहन के तौर पर प्रयोग करते हैं। व्यक्ति जब मरता है तो सबसे पहले यमदूतों के पल्ले पड़ता है जो उसे यमराज के सक्षम उपस्थित कर देते हैं और यमराज को दंड देने का पूरा अधिकार प्रदान है और वही आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नर्क, स्वर्ग, पृथ्वीलोक आदि लोगों में भेज देते हैं और कुछ को तो धरती पर। विष्णु जी का वाहन गरुड़। यह दुर्लभ प्रजाति गरुड़ है। माना जाता है कि गिद्धों में गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती और उसका काम था संदेश को इधर से उधर ले जाना, जैसे कि प्राचीन काल में कबूतर करते थे। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनता के 2 पुत्र पैदा हुए, अरुण और गरुड़। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य की सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। राम के काल में संपाति और जटायु की बहुत ही चर्चा होती थी। ये दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में रहते थे, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन्हीं की जाति में पक्षियों की संख्या अधिक होती थी और छत्तीसगढ़ में गिद्धराज जटायु का भी मंदिर है।
स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में ही गिरे थे, इसलिए यहां एक मंदिर है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में देवास जिले की तहसील बंगाली में जटाशंकर नामक एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये गिद्धराज जटायु यहां तपस्या करते थे। जटायु का जन्म कहां हुआ ये पता नहीं है, लेकिन उनकी मृत्यु दंडकारण्य में ही हुई थी। माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू। पश्चिमी मान्यता के अनुसार किसी व्यक्ति को मूर्ख बनाना अर्थात उल्लू बनाना कहा जाता है। इसका यह मतलब कि मूर्ख व्यक्ति को उल्लू समझा जाता है, लेकिन यह धारणा गलत है। उल्लू सबसे बुद्धिमान निशाचारी प्राणी होता है। उल्लू को भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही होता है। उल्लू कैसे बना माँ लक्ष्मी का वाहन? अमावस्या की काली रात में देवी लक्ष्मी धरती पर पधारी, तभी उल्लू ने काले अंधेरे में से भी लक्ष्मी जी को देख लिया और बहुत तेजी से उनके पास पहुंच गया। इसके बाद लक्ष्मी जी उल्लू को अपना वाहन स्वीकार कर लिया। माँ लक्ष्मी को तभी से उल्लूक वाहनी भी कहा जाता है। शिव का वाहन नंदी बैल। जिस तरह गायों को कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। आम तौर पर खामोश रहने वाले बैल और चरित्र उत्तम और संपूर्ण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा ये बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मुंह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी ही माना जाता है। ये सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो शेर से भी भिड़ जाता है। ये सभी कारण है कि जिसके कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। शिव जी का चरित्र भी समान माना गया है। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले से लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर अपने वाहन अपना दोस्त अपने गणों में समोत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। देवी और देवताओं के वाहनों का रहस्य अभी थमा नहीं है। 6 और देवी देवताओं के बारे में हम लेकर आएंगे वीडियो, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।